राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत काफ़ी गर्म हो गई है यूपीए गठबंधन में उम्मीदवार कौन होगा और किसकी उम्मीदवारी तय की जाएगी इसकी लड़ाई अब खुल करके के सामने आ गई है जेएमएम और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं क्या कुछ चल रहा है झारखंड की राजनीति में राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर हमारे साथ पांडे जी हैं और ज़्यादा जानकारी वो साझा करेंगे जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के तरफ से बयान आया है और जे का जो बयान है वो यह दर्शा रहा है कि गठबंधन में जो है वो दरार देखने को मिल रहा है खास करके राज्यसभा चुनाव को लेकर के अब जबकि महज चार दिन बचे हैं इकतीस मई आखिरी दिन है जबकि उम्मीदवारों का जो है नामांकन करने का आखिरी दिन है तो ऐसे में किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं और बाबा हो क्या रहा चल क्या रहा है सियासी गलियारों में देखिए दरअसल जो वरिष्ठ नेता हैं जे के सुप्रियो भट्टाचार्य ने उन्होंने एक बयान दिया उस पर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी सुप्रियो ने कहा कि भाई कांग्रेस हमको आंख नहीं दिखा सकती है हमको डिक्टेट नहीं कर सकती है बेगर्स कैन नॉट बी अ चूज़र कोई याचक है वो निर्वाचक कैसे बन सकता है और ये सारा जो गुस्सा और क्रोध के पीछे कारण बताया जा रहा है कि चूंकि पिछली बार का इलेक्शन जो हुआ राज्यसभा में उसमें गुरु निर्वाचित थे तो गुरु से भी ज़्यादा वोट बीजेपी को आ गया और बीजेपी से कम आया गुरु को ये जे के लिए तोहिन है और गुरु जी का जितना बड़ा कद है झारखंड के क्रिएटर हैं वो तो लिहाजा उनको सर्वाधिक वोट आना चाहिए अगर कांग्रेस कैंडिडेट नहीं भी उसी हिसाब हाँ कैंडिडेट नहीं देती तो निर्वाचित तो, मतलब निर्विरोध जाते तो वो एक गुस्सा है जे में वो कह रही है पार्टी मतलब जे का ये दावा है कि भाई गुरु जी के जो प्रतिष्ठा पे आँच लग गया पिछली बार उसका बदला का वक्त आ गया है सीधे तौर पे आप ये समझ लीजिए अब ये बदला कैसे कांग्रेस अब थोड़ा एग्रेसिव भी है और डिफेंड भी कर रही है खुद को कह रही है कि अगर आप पुराने चुनाव का हवाला दे रहे हैं तो पुराने चुनाव में भी ये तय किया गया था तब के प्रभारी आरपीएन सिंह और जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं उन लोगों ने तय किया था कि दोनों उम्मीदवार उतारेंगे लिहाजा इसलिए उतरा लेकिन पार्टी का मानना है कि ऐसा नहीं हुआ था चूँकि गुरु जी का जाना तय था और दूसरा कैंडिडेट के लिए कोई वैसा बहुमत का आंकड़ा नहीं था जादु आंकड़ा लिहाजा इसलिए ये लोग आनंद फानंद में कह दिए हम दूसरा उतारेंगे बिना सोचे समझे तो अब जेएमएम कर रही है चूंकि झारखंड का जनादेश जेएमएम को मिला है राज्यसभा के कैंडिडेट भेजने के बतौर तो वो कह रही है कि अब हम भेजेंगे आप याचिका किए लेकिन याचिका में आप ऐसे कर रहे हैं कि जैसे अगर कोई भिखारी आया कहे रोटी नहीं हमको पा रोटी दीजिए तो ये नहीं हो सकता है देखिए दर्शकों को पहले हम लोग ये बता देते हैं कि चूंकि राज्यसभा का जो चुनाव चल रहा है झारखंड में दो सीटें खाली हुई है और इन दो सीटों पर दस जून को मतदान होगा और इन्हीं दो सीटों पर जो है अभी चुनाव होना है और इस पर अपनी अपनी दावेदारी को लेकर के कांग्रेस और जे में छिड़ गया है दरअसल जो यूपीए और एनडीए के पास जो आंकड़े हैं यानी कि जो विधायकों की संख्या है उसके मुताबिक कोई एक ही यूपीए की तरफ से और दूसरा जो है एनडीए के तरफ से राज्यसभा मतलब जा पाएगा मतलब कि ऊपरी सदन में एक एक दोनों के तरफ से जो आंकड़े के मुताबिक जा पाएगा और अब ऐसे में कांग्रेस की दावेदारी ये आधार बना करके किया जा रहा है कांग्रेस के तरफ से कि पिछले बार के राज्यसभा चुनाव में गुरुजी यानी कि शीबू सोरेन को राज्यसभा भेजा गया था ऐसे में चूंकि गठबंधन प्रीपोल हुआ था पोस्टपोल नहीं हुआ था और गठबंधन धर्म में अगर पहले जे के तरफ से एक कोई चले गए हैं राज्यसभा तो ऐसे में इस बार कांग्रेस की दावेदारी बनती है कांग्रेस इन्हीं बातों को आधार बना करके इस बार जो है दावेदारी कर रही है और यही वजह है कि कांग्रेस के नेता आज दिल्ली में भी बैठक कर रहे हैं वहाँ पे प्रभारी जो अविनाश पांडे हैं राजेश ठाकुर वहाँ पहुँचे हुए हैं खबर है कि सुबोध कान है जो राज्यसभा के लिए खुद लगे हुए हैं वो भी वहाँ पर कैंप किए हुए हैं और इस बीच जब जे एम के तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि ऐसा है कि भाई संख्या मेरे पास है इंडिविजुअल्स अगर आप देखेंगे यू गठबंधन में तो तीस विधायकों का जो आंकड़ा है वो जेएमएम के पास है विधायक चाहिए सत्ताईस राज्यसभा भेजने के लिए तो जेम एम कोई मूड में नहीं है कि कांग्रेस के कांग्रेस के ऊपर हम कोई एहसान करें या फिर पिछले बार का बार इस बार ये गेम कहाँ से शुरू हुआ आप सोचिए यहाँ जब प्रभारी अविनाश पांडे आए थे तो उन्होंने बात बात में ही पत्रकारों के सामने कह दिया कि तीस इज नॉट सफिशियंट अगर 30 अकेला सरकार नहीं चला सकती उसको याद रखना चाहिए कि उसमें 18 जुड़ते हैं तब सरकार बनती है तो वो शुरुआत के दिनों में ही जब अविनाश पांडे आए थे जब वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बात की बात थे, थे तो और बार बार जेएमएम के तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी प्रोग्राम या कोई भी पॉलिसी बन रही है वो तो सबसे तय करके बन रही है तो अब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर इतना हाई तोबा मचाना क्या जरूरत है मीडिया में कहने की क्या ज़रूरत है अगर पार्टी चाहती भी है तो सीधे सीधे हेमंत सोरेन से बात कर ले तो वो गुस्सा था अब कल गुरु जी के आवास पर साढ़े दस बजे सुबह गुरु जी ने सारे विधायकों की बैठक बुलाई है तो उससे पहले सुप्रियो का ये बयान आना और ये बयान सिर्फ सुप्रियो का बयान व्यक्तिगत नहीं है ये पूरे पार्टी का बयान आप इससे जोड़ सकते हैं कि हेमंत जी को ऐसा खबर आ रही थी कि वो हेमंत जी जाने वाले हैं दिल्ली सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे राज्यसभा के मुद्दे पर पर बाबा जो दिल्ली में जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे जो बातचीत हो पा रही थी एक दो दिन पहले तक भी और आज भी उसके मुताबिक वहाँ के जो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो हेमंत सोरेन का इंतजार कर रहे हैं आ, लेकिन कि वो दिल्ली आए और दिल्ली में जो है राज्यसभा का उम्मीदवार कौन होगा किस पार्टी का होगा वो तय करें तो... लेकिन हेमंत सोरेन तो जा नहीं रहे हैं हेमंत सोरेन नहीं जा रहे हैं और मैसेज चला गया कांग्रेस के पास लेकिन एक बयान जाना चाहिए था बयान पार्टी ने जारी कर दिया कि भैया आप हमको डिक्टेट मत कीजिए क्यों क्योंकि इन दिनों जो पूरा ई का प्रकरण चल रहा है तो थोड़ा जे डिफेंसिव मूड में भी है एग्रेशन सिर्फ वो बीजेपी की तरफ से कर रही है शायद इसका फायदा उठाना चाह रही थी कांग्रेस वो अपने आप को अब यहाँ पे बड़ा रोल में अदा करना चाह रही थी कि भाई छोटा भाई हम भले हैं यहाँ पे लेकिन अब बड़ा भाई थोड़ा किंतु परंतु चुकी लग गया है तो यद्यपि अब हमारा होना चाहिए तो इस भाषा का जवाब आज जे ने दे दिया सीधे तौर पे कहा हमारा उम्मीदवार होगा हम डिसाइड करेंगे आप याचक हैं निर्वाचक मत बनिए आपने कहा हमने उन्होंने कहा कि हमने जब पूछा भी कि भाई कांग्रेस आमतौर पर कहती है कि दिल्ली में अगर कांग्रेस माइनस कर दे तो वो कोई विपक्ष नहीं बनता अगर देश के स्तर पर देखे तो पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आज राज का स्थिति देख लीजिए केरला देख लीजिए तमिलनाडु देख लीजिए साउथ देख लीजिए बगल का छत्तीसगढ़ बंगाल बिहार वहाँ कौन लड़ रहा है बीजेपी से क्या कांग्रेस लड़ रही है वहां के क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं तो क्षेत्रीय दल अगर मजबूत होगा तो कांग्रेस स्वतः मजबूत हो जाएगी कांग्रेस क्यों चाहती है कि हम मजबूत हो राजा के पास पैसा रहेगा तभी राजा ने इस पे बाबा बातचीत लंबी हो जाएगी क्योंकि चिंतन शिविर जो राजस्थान में हुआ उसमें क्षेत्रीय पार्टियों को लेकर के राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने तंज कसा है लेकिन फिलहाल देखिए दर्शकों को समझाना ये जरूरी है कि हम लोग जब यह बोल रहे हैं कि यूपीए गठबंधन में दरार पैदा हो गया है खास करके राज्यसभा के सीट को लेकर के तो वो क्यों बोल रहे हैं वजह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी जो देर शाम हर रोज जो प्रेस रिलीज जारी करती है उसमें आज बाकायदा प्रेस रिलीज में झामुमो और सुप्रियो जो कि सुप्रियो भट्टाचार्य झामुमो के वरिष्ठ नेता हैं पहले महासचिव रहे हैं प्रवक्ता रहे हैं आज भी जो भी चीज़ें होती है पार्टी का पक्ष वही रखते हैं भले ही अभी तक संगठन का स्वरूप तय नहीं किया गया है कि वो हैं क्या पार्टी में डिक्लेयर नहीं, नहीं किया गया है लेकिन अघोषित प्रवक्ता आज भी सुप्रियो ही है हाँ। और ऐसे में कांग्रेस के तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है उसमें बकायदा बोला गया है कि मैं, मैं सुप्रियो के बयान पर कांग्रेस पार्टी ये जवाबी बयान जारी कर रही है जिसमें कहा गया कि भाई आंख तरेरने और ये सब वाली बात से नहीं चलेगा गठबंधन ये गठबंधन प्रीपोल हुआ है और आप इसको समझिए ऐसा नहीं है कि तीस सीट सिर्फ आपको दिया गया है गठबंधन को दी है जनता पूरी की पूरी से। अब ये कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि आप गठबंधन धर्म समझिए क्या होता है गठबंधन धर्म वहाँ पे तीस अगर आपको आए हैं तो वो तीस आपके हिस्सेदारी का नहीं है हमारा भी सहयोग है उसमें और सोलह या सत्रह हमको आए हैं जितने भी आए हैं तो उसमें हमारा भी आपका भी सहयोग है लिहाजा ये बैठ के तय होना चाहिए ये है कि भाई एक बार आप गए तो एक बार हम जाते हैं लेकिन यहाँ पर आप समझिए ये चिंगारी जो आज आग की तरह दिख रही है छोटे ही लपट में सही इसकी शुरुआत बीस सूत्री कमेटी के गठन के समय ही हो गई थी कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता इस बात को पार्टी में पूरी जोर तरीके से कह रहे थे कि कोरोना गया कोरोना में भी हम लोग काम किए अब पार्टी कार्यकर्ता जब इतनी लाठे डंटे खा कर संघर्ष कर कर सरकार बनाई है तो उनको सम्मान मिलना चाहिए तो आज तक भी देखिएगा बोर्ड निगम का गठन नहीं हुआ उसको लेकर जीज ये सब बाबा ये सब ये सब तो, एसब तो के समय बहाना बना वो फूटने का दरार पहले पड़ेगा एक, पड़े। एक, एक आखिरी सवाल चूंकि लंबा हो जाएगा वीडियो कल जो गुरुजी के यहाँ बैठक जो होनी है जो कल बैठक बुलाई गई है राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या लग रहा है कि ये जो प्रवक्ताओं की लड़ाई जो बयानों में अभी दिख रही है कल क्या इन सारे चीज़ों का समाधान निकल जाएगा तय हो जाएगा कि कौन होगा उम्मीदवार किस पार्टी से होगा ये माना जा रहा है कि मतलब माना नहीं जा रहा है यूँ सोर्सेज से खबर आ रही है कि बसंत सोरेन की पत्नी संभवतः जेएमएम से उम्मीदवार हो सकती हैं लेकिन कल सारे विधायक अधिकृत कर देंगे गुरु जी को कि गुरु जी का ही फैसला आखिरी होगा और या तो हेमंत सोरेन का फैसला आखिरी होगा उनको अधिकृत किया दिया जाएगा अब वो जो निर्णय लेंगे सारे विधायक उसको फॉलो करेंगे तो ये कल बस इतना ही होना है लेकिन ये गर्माहट इकतीस लास्ट डेट है नॉमिनेशन फाइल करने का उससे तब तक रहेगा जब तक जे एम विधानसभा नहीं पहुंच जाती अपने कैंडिडेट को लेकर तब तक ये गहमागहमी चलता रहेगा भले डिक्लेरेशन हो जाए कैंडिडेट का फिर भी कांग्रेस चाहेगी कि एक बार और बात करके मान मनोवल हो जाए तो देखिए 31 मई नामांकन का आखिरी तिथि है राज्यसभा चुनाव को लेकर के और जाहिर सी बात है कि जब तक यूपीए या एनडीए के तरफ से उम्मीदवारों के नाम का घोषणा नहीं हो जाता है तब तक सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जारी रहेगी लेकिन जो चर्चा है कि कौन यूपीए के तरफ से जाएगा और कौन एनडीए के तरफ से जाएगा तो वो आखिर में हम आपको बता दे रहे हैं कि एनडीए के तरफ से रघुवर दास का नाम सबसे आगे चल रहा है कि वो हो सकता है कि राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाएँ और उनको राज्यसभा भेजा जाए दूसरी तरफ यूपीए में कांग्रेस और जे के दोनों पार्टियों के बीच जो है अलग अलग उम्मीदवारों का नाम जो है चर्चा में है कांग्रेस के तरफ से सुबोध कांत सहाय का नाम जो है चल रहा है राजीव शुक्ला जो कांग्रेस के नेता हैं उनका भी नाम चल रहा है और इसके अलावे प्रदेश अध्यक्ष अभी राजेश ठाकुर हैं उनका भी नाम चल रहा है और जेएमएम के तरफ से सुप्रियो भट्टाचार्य मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और जैसा कि बाबा बोल रहे हैं कि बसंत सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं उनकी पत्नी के भी नाम जो है अब चर्चा में शामिल है और ऐसे में हम लोगों को फिलहाल इंतज़ार ही करना होगा कि आखिरकार कौन कौन वो उम्मीदवार होंगे जो इस बार राज्यसभा के लिए नामांकन भरेंगे और इसके लिए इंतजार हम लोगों को अभी एक करना है मई तक करना ही होगा नहीं तो उससे पहले हो जाए क्योंकि कांग्रेस अगर जाके नॉमिनेशन फाइल हो जाता है जे की ओर से तो कांग्रेस तब तो उसके बाद फिर कुछ नहीं करेगी अगर गुस्सा तीन तो ती, 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 जून तक नामांकन वापसी का भी समय है तो बहुत खेल चलते रहेगा और राज्यसभा चुनाव को लेकर के झारखंड में क्या क्या खेल चलते रहा है आप लोग जो राजनीति को काफी करीब से देखते रहे हैं तो आपको पता है तो इंतज़ार कीजिए इकतीस मई तक हो सकता है कि तीन जून तक भी इंतजार करना पड़ेगा कि उम्मीदवार आखिरकार बचा कौन और कौन इस बार राज्यसभा जा रहा है शुक्रिया दॉलो अप डॉट इन लाइक एंड सब्सक्राइब डब्ल्यू 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 डॉट द फॉलो अप डॉट इन